जैसा कि आपको पता है कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर किया जाने वाला है, तो इसको लेकर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। तो इस विवाद का कारण अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अहमदनगर का नाम अहमदनगर कैसे पड़ा। अहमदनगर पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। कई शासकों ने इस पर शासन किया, जैसे राष्ट्रकूटा, चालुक्या, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का मेन रूल दिल्ली में था, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट रूल दिल्ली सल्तनत करता था। इसीलिए अफगान सोल्जर्स को मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का इनडायरेक्ट रूल था। तो उनके जो एक सोल्जर थे अलादीन हसन गंगू, वो यहां पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद बहमनी साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। और इसी बहमनी एम्पायर से कुछ समय बाद कई स्वतंत्र साम्राज्य निकले, जिनमें से एक था अहमदनगर, जिसे उस समय निजाम शाही कहा जाता था। लेकिन 1486 में मलिक अहमद निजाम शाह बहमनी सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और 1494 में सीना नदी के किनारे अपने नाम पर उन्होंने एक शहर बसाया, जिसका नाम उन्होंने निजाम शाही से बदलकर अहमदनगर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बारे में लिखा भी है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि अहमद निजाम शाह निजाम उल मुल्क के बेटे थे, जो बहमनी राजाओं के एक मंत्री थे, और निजाम उल मुल्क एक ब्राह्मण के बेटे थे जिनका नाम भैरू था। तो मतलब अगर मलिक अहमद को देखा जाए तो ब्राह्मण परिवार से ही उनका नाता था। अब अहिल्याबाई जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उनका जन्म अहमदनगर के चोंडी गांव में हुआ था, मानकोजी शिंदे के घर पर 1725 में। और इसी अहमदनगर के चोंडी गांव में मल्हार राव होलकर जी ने, जो कि पेशवा बाजीराव के कमांडर थे, अहिल्याबाई को देखा जब वो महज 8 साल की थी और मंदिर में सेवा कर रही थी। उनकी भक्ति से इंप्रेस होकर मल्हार राव होलकर जी ने उनकी शादी अपने पुत्र खांडे राव से करवाने का फैसला लिया। लेकिन 1754 में ही कुंभेर के युद्ध में उनके पति यानी खांडे राव की मृत्यु हो गई, और अहिल्याबाई ने पूरे मालवा का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और इसमें इनकी मदद इनके ससुर जी ने की, उन्हें सैन्य रणनीति सिखाई और प्रशासन के बारे में भी सब कुछ समझाया। और अहिल्याबाई होलकर देखते ही देखते एक महान महिला शासक बन गई, और उन्होंने जनता के लिए काफी काम किए, कई किले और मंदिरें भी बनवाई। माहेश्वर का किला भी इनके द्वारा बनवाया गया था। माना जाता है कि इनके शासन के समय मालवा में एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ था, जबकि पूरे भारत में उस समय जगह जगह सत्ता के लिए युद्ध हो रहे थे। माहेश्वर शहर हर क्षेत्र में पारंगत बना, चाहे साहित्य हो, संगीत हो या कला हो। और यहाँ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्र उद्योग भी स्थापित किया गया इनके द्वारा। वहां की माहेश्वर साड़ी अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है। 1780 में इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी भूमिका निभाई, जो वाराणसी में है। इन्होंने कई घाट भी बनवाए, यात्रियों के लिए कई विश्राम गृह यानी लॉज भी बनवाए, और इनके शासन काल में काफी शांति भी रही। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई होलकर एक बहुत सक्षम और सम्मानित शासक थी। अभी फिलहाल न्यूज में यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस प्रस्ताव के बारे में काफी समय से चर्चा चल रही है, और कई मंत्री इसके सपोर्ट में है, लेकिन कई मंत्री इसके खिलाफ भी है। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि केंद्र सरकार को इस मामले को सुलझाने के लिए कहने की मांग की जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई शहरों का और रेलवे स्टेशन का नाम अभी बदल दिया गया है, काफी समय से नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसी बीच अहिल्याबाई नगर नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया जाएगा, और इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।